मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। भोपाल नाव हादसे में 11 लोगों की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से मृतक के परिवार को 11-11 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। दिल्ली में ऑड इवन रिटर्न स्कीम फिर से लागू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फिर से लागू करने का ऐलान किया है। ये नियम 4 से 15 नवंबर के बीच लागू होगा। उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, इस वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, इसीलिए एक बार फिर ऑड इवन फार्मूला को लागू करने का फैसला किया गया है। डूसू चुनाव में एबीवीपी ने 3 पदों पर जीत हासिल की है। डूसू चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कब्जा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को डूसू चुनाव का मतदान हुआ था और वोटिंग के लिए 52 केंद्र बनाए गए थे। शाहजहांपुर निवासी लॉ की छात्रा का शोषण किए जाने के मामले में एसआईटी ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम पीड़िता को लेकर स्वामी के आश्रम पहुंची। इससे पहले एसआईटी की टीम ने करीब 7 घंटे तक स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ की। इस दौरान एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद से छात्रा के आरोपों और रंगदारी के मामले में कई सवाल पूछे। एसपी सांसद आजम खान पर एक और आरोप लगा है। अब उनके खिलाफ जेल की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या रोते हुए अपने मायके चली गई। तेज प्रताप से अनबन के बाद भी ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी देवी के घर पर ही रह रही थी, लेकिन आज अचानक ऐश्वर्या घर से रोते हुए बाहर निकली और एक गाड़ी में बैठकर मायके चली गई। ये गाड़ी ऐश्वर्या के पिता चंद्रका राय ने भेजी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को एक और झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदम्बरम की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पी चिदम्बरम की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने सरेंडर करने की अर्जी लगाई थी। इंटरपोल ने पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के छोटे भाई निहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि धन शोषण के आरोपों पर बेल्जियम के नागरिक निहल के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धन शोषण मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा पर गए विक्रम लैंडर का पता लगाने में अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मदद करेगी। नासा का ऑर्बिटर मंगलवार को चंद्रमा की सतह पर उस जगह के ऊपर से उड़ान भरेगा जहां विक्रम ने लैंडिंग की है। विक्रम लैंडर के बारे में इसरो ने भी पता लगा लिया है और उसे संपर्क करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान से काफी कमजोर है। कॉरपोरेट और पर्यावरणीय नियमों की अनिश्चितता और कुछ एनबीएफसी की आर्थिक कमजोरियों के चलते विकास दर गिरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 साल के सबसे कम स्तर पर है। अप्रैल जून तिमाही में ये दर सिर्फ 5% थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये दर 8% थी।